हाँ जी बच्चों, सब लोग एक हेडिंग बना लीजिए नोट्स के अंदर, रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट मेथड वर्सेस इनकम मेथड। यानी बच्चों, हम इन दोनों चीजों को भी आपस में एसोसिएट कर सकते हैं। आज के टॉपिक में मैं आपको एक डेरिवेशन सिखाऊंगा, उस डेरिवेशन से आप इन दोनों चीजों के बीच में भी एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड का आपसी रिलेशनशिप क्या है। बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से, आप जब प्रोडक्ट मेथड यूज करते थे, आप जब प्रोडक्ट मेथड यूज करते थे तो आप प्रोडक्ट मेथड में, यहां लिख देता हूं मैं कि आप, या इनकम मेथड पहले ले लो बेटा, जब आप इनकम मेथड यूज करते हैं और जब आप प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। लाओ एक बार फाइंडिंग ले लेते हैं बच्चों। यहां मैं लिख रहा हूं कि जब हम यूज करते हैं एक अपना इनकम मेथड, और यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों जब हम यूज करते हैं, तो बच्चे इनकम मेथड में हम पहुंचते हैं कहां, एन डी पी एट एफ सी, और प्रोडक्ट मेथड में हम पहुंचते हैं कहां, जी डी पी एट एम पी। बच्चे बिल्कुल सिंपल सी बात लिखी मैंने कि इनकम मेथड में हम पहुंचते हैं एनडीपी एट एफसी पे, और प्रोडक्ट मेथड में हम लोग पहुंचते हैं जीडीपी एट एमपी। बहुत सिंपल सी बात लिखी। अब जरा इन दोनों के रिलेशनशिप को फाइंड आउट करो बच्चों। एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, अगर मैं इनके एनडीपी एट एमपी से जीडीपी एट एमपी तक अगर मैं इनको ओपन करूं तो मैं और क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहां पर जरा देखते हैं। एनडीपी एट एफ सी कल जब हमने सीखा था तो हम यहां लिख सकते बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम। वाई लिखो या आई लिखो, आपकी इच्छा की बात है। बिल्कुल लिख सकता हूं बच्चों, मैंने इस चीज को आपको डेराइव करके दिखाया था कि ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में कंजम्पशन कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब भी मैंने कल क्लियर किया था बच्चों आपको कि सीवी को छोड़ के, ठीक है, बाकी तीनों चीजों का सम, उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व हो गया, आपका प्रॉफिट आ गया, रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस, यहां लिख देता हूं बेटा मैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस खुद तीन चीजों का सम है बच्चों, यहां पे रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, तो ये तीनों चीजों का सम मैंने इकट्ठा लिख दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस साथ में जोड़ा सीटीई, साथ में जोड़ा मिक्स इनकम, तो एनडीपी एट एफ सी पहुंच गया, राइट। और दूसरी तरफ लिख रहा हूं बच्चों जीडीपी एट एमपी को, मैं लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यस आई कैन राइट इट, ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, ठीक है। और जीडीपी एट एमपी को आप अगर लिखना चाहो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, आप कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हो गया, तो ये बेटा ये भी डेरिवेशन यहां तक भी बिल्कुल करेक्ट है, डन। अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये दोनों बराबर तो है नहीं ना, एनडीपी एट एफ सी से जीडीपी एट एमपी तक पहुंचने के लिए बीच में भी जो जो कन्वर्जन टूल थे पहले उनको भी इस्तेमाल कर लें। तो बीच में कन्वर्जन टूल क्या थे, एन से जी जाना है, तो एन से जी जाना है तो यहां पर करना पड़ेगा आपको डेप्रिसिएशन को प्लस, और एफ सी से बच्चों एमपी जाना है तो यहां पर प्लस करना पड़ेगा नेट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है बच्चे। और डी तो डीई है, उसको तो कुछ करना नहीं। मेरे ख्याल से इतनी बात आप सबको समझ में आ गई कि इस कन्वर्जन से ये काम करके हम इस कन्वर्जन तक पहुंच सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, अपने इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों को कनेक्ट कर दिया डेप्रिसिएशन और एनआईटी के थ्रू, डन है बेटा। और
इधर से मैंने एनडीपी एट एफसी को ओपन कर दिया टीम पार्टीशन में, उधर से मैंने जीडीपी एट एमपी को ओपन कर दिया दो पॉइंट्स में, डन। अब मैं यहां पर आपको बोलता हूं कि अगर आप ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने में इंटरेस्टेड है, अगर आप प्लस में डेप्रिसिएशन यहीं के यहीं पड़ा हुआ है, एनआईटी यहीं का यहीं पड़ा हुआ है, ठीक है बेटा, मैंने ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है। लो सर, ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करते हैं बेटा। ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या फॉर्मूला यहां पर डेवलप होकर के आ जाने वाला है? फिर ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू, बच्चों यहां से सीटीई उधर चला जाएगा, मिक्स्ड इनकम उधर चली जाएगी, डेप्रिसिएशन उधर चला जाएगा, एनआईटी उधर चला जाएगा। चार चीजें यहां पर मुझे पॉजिटिव दिख रही है, चारों चीजें वहां से नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला क्या डेवलप होकर आने वाला है यहां पर? ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू बच्चों वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी माइनस सीटीई माइनस मिक्स्ड इनकम। ये तो सिर्फ मैं ले गया दो वाइट, हाँ ये तो ले गया बेटा सिर्फ दो वाइट चीजें उधर, और ये जो ऑरेंज चीजें हैं बेटा ये भी प्लस ही हो रखी हैं, ये भी उस तरफ जाएंगी तो ये भी माइनस ही होने वाली है, यानी माइनस का डेप्रिसिएशन और माइनस का एनआईटी। नाउ विल गेट द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। और बच्चों ये फाइल के अंदर भी मैंने एक ऑपरेटिंग सरप्लस का जो फॉर्मूला दे रखा है ना बेटा, आप वेरीफाई करो, वो पूरा का पूरा मैंने क्रॉस वेरीफाई कर दी यहां पे। ये देखो इधर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, ये इधर देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, उधर इधर सीओई माइनस एमआई, सीओई माइनस एमवाई एक ही बात है, और सीएफसी जिसको कंजम्पशन लिख दो बेटा फुल फॉर्म, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है बेटा। और ये आ गई आपकी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का दूसरा नाम यहां पर क्या लिख दिया बेटा मैंने, डेप्रिसिएशन, और साथ में क्या कर रहा है मैंने यहां से माइनस एनआईटी, और ये रहा बच्चों आपका बेटा। तो ये जो फॉर्मूला बेटे आपको दिख रहा है, इट इज नॉट अ काइंड ऑफ क्रैमिंग, हमने कुछ क्रैम इसके अंदर नहीं करना, मैंने जस्ट एक डेरिवेशन यहां पर आपके सामने बना के दिखा दिया है हाउ इनकम मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, कि इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड आखिरकार किस तरह से है। ये है बच्चों आपके पास दोनों चीजों का डेरिवेशन। क्लियर बच्चे यहां तक बात? ये हो गया बेटा। अच्छा, आपने मुझसे एक प्रॉब्लम पूछी थी, सर कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं शुरू के चार तो ठीक ठाक से हैं, आगे कुछ गड़बड़ हो जाती है। आओ बच्चों, कुछ गड़बड़ नहीं होती है, मैं सिखाता हूं, अगले न्यूमेरिकल्स भी आपको करने सिखाता हूं, एक दो न्यूमेरिकल मैं कराता हूं, एक दो न्यूमेरिकल आप कर लेना। आओ बेटे, तो मुझे जो इसमें कुछ खतरनाक टाइप न्यूमेरिकल लग रहा है थोड़ा सा, मुझे लग रहा है ये पांचवा ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें फाइंड आउट करना है, और इसमें इसी फॉर्मूले को हमने यूज करना है, इस्तेमाल करना है, जिसको मैंने अभी डेराइव करके दिखाया आपको, उसी का इस्तेमाल इसमें करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस यहां पर फाइंड आउट करना है। ओके, एंड आई एम गिवन इन द क्वेश्चन सेल्स एज वेल एज आई एम गिवन कॉम्पेंसेशन आईसी रेंट इंटरेस्ट एनआईटी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड मिक्स्ड इनकम। तो बेटा अगर आपसे वो डेराइव तो होता है वो फॉर्मूला, पर लर्न नहीं होता, कोई बात नहीं बेटे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पर दोबारा से आप लोग उसको बनाना सीखें। लो एक बार दोबारा सीखो, यहां पर बनाना उसको सीखो और फिर अपने आप ही बना दो उसको। हमने सीखा है उसके अंदर कि इधर में लेफ्ट हैंड पे आप रखो एनडीपी एट एफसी, और राइट साइड में बच्चों हमेशा रखो आप जीडीपी एट एमपी, जैसा कि मैंने बना के दिखाया। एनडीपी एट एफसी के ब्रेकअप कर दो, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस सी टी ई, राइट साइड में जीडीपी एट एमपी का ब्रेकअप कर दो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, बस इतना आपको दिमाग में रखना है, इतना आपको दिमाग में रखना है। क्या कह रहे हो? मिक्स्ड इनकम नहीं आएगा यार, क्या आ जाएगा बेटा? बस, और यहां से अपना फॉर्मूला वही बन के आ जाएगा।
अब मुझे ये बताओ हमें चाहिए क्या बेटा, हमें चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, रखो इसको लेफ्ट में, ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू, बाकी सभी चीजें एक तरफ से राइट में ले लो। बन गया मेरा फॉर्मूला क्या, जो मैं अभी लिख रहा हूं दूसरे स्केच से, मेरा फॉर्मूला यहां पर बन के आ गया बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी माइनस सीटीई माइनस मिक्सड इनकम। ये तो चीजें सिर्फ वो हैं जो NDP@FC और GDP@MP में मेरे को साफ साफ दिख रही है। अभी कन्वर्जन वाली चीजें तो मैंने लिखी नहीं थी, कन्वर्जन वाली चीजें यहां पर क्या क्या थी, यहां N से G जाना है तो प्लस डेप करना पड़ेगा, और FC से MP जाना है तो प्लस NIT करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को भी साइड में रखना है ना, तो माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। लो जी, बन गई बात बेटा, ये फॉर्मूला हो गया डेवलप। अब यहां पर जो चीजें मेरे पास है उसको ले लो आप। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सबसे पहले सेल्स और डेल्टा स्टॉक ढूंढो ढूंढो बच्चों, सेल्स है मेरे पास 4000 और डेल्टा स्टॉक मुझे कहीं दिख नहीं रहा, छोड़ दो फिर, नहीं दिख रहा तो फिर अब क्या करें, नहीं दिख रहा तो अब क्या करें, छोड़ो। तो वही बेटा, यही आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, 4000 रुपए का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी इंटरमीडिएट कंजम्पशन ढूंढो, आईसी तो गिवन है क्वेश्चन में 600, ये लो सर। CTE कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय 800, ये लो जी। मिक्स्ड इनकम 400, ये लो जी। डेप्रिसिएशन यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये लो जी। माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये लो जी। ठीक है बेटा, आंसर ढूंढो, निकलेगा बेटे आंसर, ये हो गया 800 और 200, हजार और ये 6 और 4 10, 1000 और 1000 2000 और ये हो गया 2500, 4000 में से 2500 माइनस कर दो, लो बेटे आ गया आंसर 1500 रुपए, खत्म। बहुत आसान है, मुद्दा ये है कि हम लोग उसको क्रैम ना करें, बस हमारे सामने जो चीज वो दिख रही है बेटा उसको क्रैम ना करें, उसको आप डेवलप करने की कोशिश करें, उस फॉर्मूले को आप डेराइव करें। ठीक है, तो ये जो अभी रेड कलर से और ये जो इधर मैंने ये बना के दिखाया आपको, बस ये डेरिवेशन का आप ध्यान रखें, आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ठीक, आइए चलें आगे, अगली बात करते हैं और न्यूमेरिकल। सब बच्चे मुझे 6th नंबर न्यूमेरिकल करके दिखाओ बेटा, और सबका अगर हो जाए तो एक बार डन लिख के बताओ, करिए बेटा 6th न्यूमेरिकल मेरे सामने सब लोग करिए। डन हो गया, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर, सब लोग क्वेश्चन नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है 8th क्वेश्चन, करके दिखाओ बच्चों। मैं चाहता हूं आप एक एक न्यूमेरिकल खुद करें, तसल्ली से, मजा आ जाए, ताकि करिए। सारा डन, योग्य नहीं हो रहा बेटे, योग्य ये कहने से काम नहीं चलेगा, ये होना चाहिए क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है, दोबारा कर राधिका, डन, इसको दोबारा कर, क्योंकि मैंने ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो तुमसे डिस्कस नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ अब यहां पर थोड़ा सा खेल प्रैक्टिस का आ रहा है, दोबारा करो मुझे, लेकिन करके दिखाओ। जब ये मन्नत का हो गया, सारा का हो गया, राधिका का हो गया, तो फिर तेरा भी होना चाहिए, करो, अमन का हो गया ले, करो करो करो। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा तो मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन पहले तुम अपनी पूरी जान लगाओ इसके अंदर, वेरी गुड, हो गया ना। तो छोटी मोटी को गलती कर रखी होगी, अब वो गलती तूने खुद ढूंढ के निकाल ली है, जब खुद ढूंढ के निकालोगे अब इसको कभी भूलोगे नहीं, मैं कराता तो भी हो जाता, साथ के साथ दिमाग से साफ भी हो जाता, अब तुमने खुद किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके चलिए आगे बढ़िए।